पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद में नई पहल के तहत जन सुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बताते हुए जन सुनवाई की जा रही है, जिसमें नई पहल के तहत पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की गई, जिसमें जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट की गई, जिसमें जनपद के प्रत्येक थाने के दिवसाधिकारी जुड़े रहे। इस दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत एवं समस्याओं को लेकर आए, उनसे उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के जरिए थानों के दिवसाधिकारियों को पीड़ित की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त हुई जन शिकायतों के पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका पर्यवेक्षण स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जा रहा है। इस ग्रुप में प्रतिदिन आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्रेषित किया जाता है, जिसके निस्तारण की आख्या व्हाट्सएप ग्रुप में उसी दिन शाम तक जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाती है। जन सुनवाई में मेरे द्वारा यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से थानों से डायरेक्ट वार्ता की जा रही है, और जो भी लोग जो केसेस मुझे ज़्यादा सेंसिटिव लगते हैं उनमें मैं उसी दिन के लिए आदेशित कर देती हूँ और उसी दिन के लिए बता भी देती हूँ कि पुलिस बल उसी दिन मौके पे चला जाए। और शाम तक मेरे पास मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रखा है जन सुनवाई के नाम से, उसमें उनके फोटोज के मौके पे वो गए कि नहीं गए और उन्होंने क्या कार्रवाई करी कि आख्या शाम तक आ जानी चाहिए। इसी तरह सेंसिटिविटी से के बेसिस पे कुछ उसी दिन, कुछ दो दिन, कुछ तीन दिन में आख्याएँ मेरे यहाँ आ जाती हैं, मोस्टली उसी दिन वाली होती हैं। एक और चीज़ है, क्योंकि गूगल मीट के माध्यम से हम डायरेक्टली जुड़ते हैं थानों से, तो जो भी पीड़ित होता है उसको एक बार कैमरा में दिखा भी दिया जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कौन सा प्रकरण है और थाने पर जब आएंगे तो उन्हें किसको ढूंढना है या कैसे कार्रवाई करनी है। इस तरह से ये एक चीज़ मेरे द्वारा की जा रही है ताकि जन सुनवाई को ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके और अच्छी कार्रवाई इसमें हो। देखिए, ये तो निरंतर की कार्रवाई है, निरंतर लोग आते हैं, निरंतर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, और कई लोगों द्वारा जो है बताया गया है और लिखकर भी दिया गया है कि वो हमारे से कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जब हमारी फोर्स जाती है गांवों में तो वहाँ भी पुलिस प्रेजेंस दिख रही है, इससे भी लोगों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि अब पुलिस ने गांवों में इनके घरों में जाना जो है वो शुरू कर दिया है, इससे खाकी की प्रेजेंस बहुत दूर दराज के गाँवों में भी होने लग गई है। इसका निश्चय ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लाभ पुलिस को अपनी पुलिसिंग में मिलेगा।